तो आखिरकार पंजाब को अपना नया सीएम मिल ही गया। चरणजीत सिंह चन्नी अब पंजाब के नए कैप्टन होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने महज 24 घंटे बाद कांग्रेस आलाकमान ने दलित चेहरे और नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगाई। हालांकि रविवार के दिन पूरे दिन सियासी नाटक चलता रहा, लेकिन इस बीच चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के सामने आने से पहले दिन भर सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम की चर्चा सुर्खियों में बनी रही, लेकिन इस नाम पर नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा रजामंद नहीं था और लिहाजा शाम होते होते चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आ गया और पंजाब के नए सीएम के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आने के बाद देर शाम चरणजीत सिंह चन्नी गवर्नर हाउस भी पहुंच गए। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए कैप्टन, सियासी रस्सा कशी के बाद नाम हुआ तय। 24 घंटे के बाद मिला पंजाब को नया सीएम। अब ये है पंजाब के नए कैप्टन का चेहरा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगी। पंजाब कांग्रेस में दिन भर चली उठापटक के बीच कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी की लैजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई है। कांग्रेस के सारे MLA साहबान ने सर्वसम्मति नाल कांग्रेस पार्टी के सारे MLA साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्वसम्मति नाल लिया, उस बारे अज असी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल 11 बजे सहुं चक्कण का टाइम दिता है। कल 11 बजे ओथ टेकिंग सैरामनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असी साडे पार्टी के प्रधान साडे लीडर साहबान तुहानू सारयां नू संबोधन करनगे। कल 11 बजे तक तुसी इंतजार करो। बहुत धन्यवाद। तो कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, ताजपोशी होगी चरणजीत सिंह चन्नी की। केवल इतनी जानकारी देते हुए नजर आए राज्यपाल के साथ जो मुलाकात उनकी चल रही थी वो मुलाकात खत्म हो चुकी है, बैठक खत्म हो चुकी है और कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। इस वक्त की ये बड़ी खबर चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से कल शाम 5 बजे जो बैठक हुई थी हर किसी ने अपनी सहमति दी और ऐसे में मेरे नाम को बेहतर तौर पर सामने रखा गया और कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 11 बजे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद फिर संबोधन होगा और चन्नी की कैबिनेट कैसी होगी, उनकी सरकार कैसी होगी, इसको लेकर भी मंथन चर्चा लगातार जारी रहेगी। किन किन को शामिल करना है, किन किन को हटाना है, ये पूरी की पूरी टीम जो कि चुनावी तैयारियों में जुटी हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। तस्वीर आप देखिए चरणजीत सिंह चन्नी जो कि उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष और ऐसे में अब कल शपथ ग्रहण होगा। कल ताजपोशी होगी चरणजीत सिंह चन्नी की सुबह 11 बजे, उसके बाद पार्टी को संबोधित करेंगे, मीडिया से भी बातचीत करेंगे और उसके बाद उनकी नई सरकार का स्वरूप क्या कुछ होगा, कौन कौन से चेहरे होंगे, कौन कौन से दिग्गज होंगे जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए अपनी टीम में वो शामिल करेंगे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। ये बड़ा फैसला हाईकमान की तरफ से ले लिया गया है। कई नाम मुख्यमंत्री की रेस में थे लेकिन अब आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे कल सुबह 11 बजे।
तो पंजाब के नए कैप्टन चरणजीत सिंह चन्नी जो कि कल 11 बजे शपथ ग्रहण करेंगे, राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है। राजभवन की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा चरणजीत सिंह चन्नी ने। कांग्रेस पार्टी दी लेजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है, कांग्रेस दे सारे एमएलए साहबान ने सर्वसम्मति नाल कांग्रेस पार्टी दे सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्वसम्मति नाल लिया उस बारे अज असी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश कीता है। गवर्नर साहब ने कल 11 बजे सहु चक्कण का टाइम दिता है, कल 11 बजे ओथ टेकिंग सैरामनी होएगी, उस तो ओथ लैण तो बाद ऐसी साढ़े पार्टी के प्रधान साढ़े लीडर साहबान तुहानू सारयां नू संबोधन करनगे। कल 11 बजे तक तुसीं इंतजार करो, बहुत धन्यवाद। तो कल सुबह 11 बजे तक इंतजार करो, 11 बजे कल शपथ ग्रहण होगी, शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह 11 बजे का रखा गया है। हालांकि कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द शपथ ले ली जाए क्योंकि ज्यादा वक्त चुनाव में नहीं बचा है और ऐसे में सरकार बनाने का दावा पेश करने के साथ साथ कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा चरणजीत सिंह चन्नी का, जो कि दलित समुदाय से आते हैं और ऐसे में उनके चेहरे पर मोहर लगाने के साथ ही हाईकमान ने कई बड़े बड़े मुद्दों को थामते हुए कई बड़े समीकरणों को साधते हुए ये बड़ा फैसला लेते हुए ये साफ कर दिया है कि 32% आबादी जो कि पंजाब की राजनीति में है दलित समुदाय की, ऐसे में वो वोट हमारी पार्टी के साथ रहे। और इसके साथ ही जो विवाद लगातार अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का रहा था उस विवाद को थामते हुए कई नाम ऐसे निकलकर सामने आ रहे थे। नीरज का हम लोग कर लेते हैं। नीरज, कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी कि कल मुख्यमंत्री की ताजपोशी होने वाली है। बिल्कुल, कल 11 बजे शपथ ग्रहण होगा चरणजीत सिंह चन्नी का। हमारे साथ युवा नेता हैं, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और पंजाब विधानसभा से विधायक भी हैं, अमरिंदर राजा बरार। आप लोग राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी भी बहुत करीबी माने जाते हैं, तो आप उन्होंने तो एक तीर से दो निशाने किए, पंजाब में जो चाहते थे वो किया और दलित कार्ड भी खेल लिया। कितना आसान होगा कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में या चुनौती होगी? मैं समझता हूँ कि बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया जब दूसरी बीजेपी और दूसरे लोग ये कह रहे थे अकाली दल कि हम दलित को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाएंगे, और बीजेपी की तरफ से ये भी आया था कि दलित चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है। उससे पहले और इस प्रकार का निर्णय लेना मेरे को लगता कि पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब की एकता और अखंडता के लिए, और एक नया संदेश देना कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, ये हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है, एक बहुत बड़ा सनेहा मेरे को लगता कि कांग्रेस पार्टी ने। बरार जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि एक तरफ अमरिंदर सिंह को शेर के तौर पे हाई प्रोफाइल नेता के तौर पे देखा जाता था, हेवी वेट के तौर पे देखा जाता था, दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी बहुत लो प्रोफाइल है, तो आपको लगता है कि उस गैप को पूरा कर पाएंगे सरकार के लिए और आने वाले विधानसभा चुनाव में? मेरे को लगता कि ये अपनी अपनी हर व्यक्ति की अलग छवि है, अलग छवि है। ऐसा नहीं है कि जो लो प्रोफाइल रहता है उसको पसंद नहीं करते लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि लो प्रोफाइल रहने वाले को जनता ज़्यादा पसंद करती है। जो आज का जमाना है, लोग चाहते हैं कि हमारे जैसा ही बन गया, ये तो हमारे बीच में आ जाएगा। मैंने कई बार जस्टिन ट्रूडो की वीडियोस और फोटोग्राफ्स देखे हैं कनाडा प्राइम मिनिस्टर के, और लोग शेयर करते हैं कि हमारे बीच में बैठ के खाना खा रहा है, हमारे बीच में बैठा है, आम परिवार से है, तो लो प्रोफाइल का बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। पंजाब में कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, अमरिंदर सिंह गुट अलग है, नवजोत सिंह सिद्धू अलग है, सुखजिंदर सिंह रंधावा का गुट अलग है और कई गुट है, तो सभी गुटों को एक साथ ले चलने में कामयाब होंगे चरणजीत सिंह चन्नी? मेरे को लगता है ये सबका अपना अपना कर्तव्य बनता है, ये गुटों की बात ही नहीं रह जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी में किसी को रहना है, अगर वो यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार बनाए, ये हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य बनता है कि तमाम गुट छोड़कर अब एक ही गुट होना चाहिए कि 2022 में हमने सरकार कैसे बनाई। एक और सवाल है, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को सीएम के लिए चुना है जिस पर मी टू का आरोप है, महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे, मी टू का आरोप लगाया है।
अरे भाई किसी के ऊपर मी टू कोई मुकदमा नहीं है, कोई बात नहीं है। जो देश के तड़ीपार लोग थे, जो देश के तड़ीपार लोग थे वो देश के बड़े बड़े पदों पर जा बैठे, उन्होंने सारा सामान अपने हाथों में समेट डाला, उनके पास इतनी ताकत है। और इनके ऊपर मेरे को नहीं लगता चन्नी साहब के ऊपर कोई मी टू या किसी और कोई मुकदमा दर्ज है। किसी की शिकायत का हो जानी या उससे ये मान लेना कि वो ऐसा है, ये घबराहट है। एक अंतिम सवाल कोई मान रहा है कि सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। चमन का हम रुक कर लेते हैं। चमन, आपके पास क्या कुछ अपडेट? आज देखिए, चरणजीत चन्नी जो है वो राजभवन से निकल चुके हैं और कल 11 बजे के करीब जो है वो शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद जो है वो और जो विधायक मंडल की जो और कैबिनेट जो में जो नए चेहरे होंगे वो भी शामिल किए जाएंगे। उस पर अभी कहना मुश्किल होगा क्योंकि पहले मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण होगा उसके बाद जो है वो कैबिनेट को चेंज किया जाएगा पूरी को, इसके ऊपर भी अब देखना कल ही होगा जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो नई टीम होगी चन्नी साहब की पूरी कैबिनेट तैयार होगी उसमें मौजूदा चेहरों को शामिल किया जा सकता है या फिर नए सिरे से एक नई टीम बनाई जाएगी? जी देखिए, इस बात को लेकर जो है वो कल स्थिति क्लियर हो जाएगी। पहले तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसका आज जो है वो नाम जो है वो तय किया गया, अब कल सब ग्रहण होगा और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कैबिनेट पूरी पंजाब की जो कैबिनेट है वो भी अब नए सिरे से होगी। ठीक है, क्योंकि पंजाब में कई जगह जो है वो पहले से स्पीच आपको बता दे, राहुल गांधी ने भी बधाई दी है चरणजीत सिंह चन्नी को। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों का भरोसा सर्वोपरि है, ये बधाई संदेश देते हुए राहुल गांधी नजर आए। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसके साथ ही हर कोई उन्हें बधाई देता हुआ, हर एक विधायक, हर एक गुट सहमति जताता हुआ कि सर्वसम्मति से निर्विरोध तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी चूज किए गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, दलित समुदाय से आते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि नई जिम्मेदारी के लिए चन्नी साहब को बधाई, पंजाब से किए वादे पूरे करेंगे, ये उम्मीद जताते हुए राहुल गांधी नजर आए। पंजाब के लोगों का भरोसा सर्वोपरि है और पंजाब के लोगों के हितों के लिए ये बड़ा फैसला हाईकमान की तरफ से लिया गया है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। और इसके साथ ही आप तस्वीरें जरा देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी जब राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद जब बाहर आए तो मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि कल 5 बजे जो विधायकों की बैठक हुई थी उसी बैठक में फैसला ले लिया गया था और कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, आपको कल 11 बजे तक का इंतजार करना होगा। शपथ लेने के बाद किस तरीके की उनकी टीम होती है, किस तरह की उनकी कैबिनेट होती है ये देखना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो कि बेहद नजदीक है। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कुछ कहा था। कांग्रेस पार्टी दी लेजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है, कांग्रेस दे सारे MLA साहबान ने सर्वसम्मति नाल, कांग्रेस पार्टी दे सारे MLA साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्वसम्मति नाल लिया है उस बारे अज असी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश कीता है। गवर्नर साहब ने कल 11 बजे सहु चक्कण का टाइम दिता है, कल 11 बजे ओथ टेकिंग सेरेमनी होएगी। तो सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है, कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि नई जिम्मेदारी के लिए चन्नी को बधाई, जनता का विश्वास सर्वोपरि है, पंजाब की जनता का विश्वास सर्वोपरि है और चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई देते हुए राहुल गांधी।